अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कैरी का मुरब्बा। ये कैरी मेरे पास आधा किलो थी, तो इनको मैंने धो के छील के फिर इनके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब मैं इनको 1 लीटर पानी रखा है मैंने, अब बॉयल होने को आ रहा है, तो इसमें हम ये कैरी डाल देंगे। अब 5 मिनट हम इनको उबालेंगे, बॉयल हो जाए, थोड़ी हल्की नरम हो जाए तो फिर इनको हम निकाल देंगे। 5 मिनट हो गए, अब मैं इसकी आंच बंद कर दूंगी और मैं पानी से निकाल दूंगी छलनी की मदद से, फिर मैं छलनी में ही डालूंगी। चले जी, मैंने पानी निकाल दिया, अब इसमें मैं कैरी वापस डालूंगी। इसमें अब मैं चीनी डालूंगी, चीनी तकरीबन 1.5 कप है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। इसके बाद मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूंगी। अब इस आंच थोड़ी तेज करेंगे, अब मैंने मिक्स कर लिया है, अब ये चीनी पकना ही शुरू होगी, बाकी हम और चीज़ें बाद में डालेंगे। बॉयल आए, अब इसमें बॉयल आ रहा है, थोड़ा सा नमक है, थोड़ा मैं नमक कम करती हूँ, ज़्यादा लग रहा है मुझे, 2 चुटकी और 2-4 सुरख मिर्च और कलवंजी, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। अब कुछ देर पक के अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर, 1 चुटकी है मेरे पास, ये मैं शामिल करूं। अब मैं देखूंगी, ज़्यादा कलर मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस नॉर्मल कलर आ जाए वो सही रहता है, बस सही है। अब कलर से जो है ना लगता है कि हमने मुरब्बा बनाया है, और कलर अच्छा भी लगता है, खाने को दिल भी करता है बहुत। अब ये तैयार हो गई है, ठीक है, मैं इसकी आंच बंद करूंगी। 5 मिनट मैंने, 4 मिनट या 5 मिनट में पकाया इसको, ये अब नरम हो गई है। अब ये ठंडी हो जाए मुरब्बा, तो मैं इसको बोतल में डालूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। लीजिए, मुरब्बा तैयार है, मैंने ठंडा करके और शीशे की बर्नी धो के साफ करके खुश कर ली, उसके बाद इसमें मैंने डाला है। अब ये सेफ हो गया, इसको आप अब फ्रिज में रख लें और सुबह को नाश्ते में पराठे के साथ ठंडा ठंडा खाएं, बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा बना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और गर्मियों के मौसम में खाना चाहिए। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद, अल्लाह हाफिज़।